Join the legacy of leaders at PGC Jamjeri. Bhushan Jewelers, anmol rishton ke liye. आपने प्रातः काल आने का कष्ट किया, कमाल के आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा स्पष्ट शब्दों में कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार मित्रों की सरकार है, मित्रों के लिए है, मित्रों के द्वारा है। यह बात मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर ली। मुख्यमंत्री जी के विशिष्ट सहयोगी ने और इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मित्रों को लाभ देने में कौन सी बुराई है और दुश्मनों को लाभ दिया जाना चाहिए क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। एक और सरकार लगातार कह रही है हमारे पास विकास करने के लिए पैसा नहीं है। पिछले कल भी सरकार ने 1,500 करोड़ रुपया केंद्र से मांगा है और दूसरी ओर 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की मित्रों की सरकार चुनाव हारी, उसके बाद भी इन्होंने मित्रों को कैबिनेट का दर्जा देना बंद नहीं किया, उसके बाद भी इन्होंने मित्रों को कैबिनेट का दर्जा दिया। एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने स्वयमेव खड़ा किया है कि दुश्मनों को लाभ देने हैं क्या, अर्थात विधायकों को दुश्मन बना करके रखा मुख्यमंत्री जी ने। 80 लाख जनता में से 100 लोगों को लाभ देना और शेष लोगों को दुश्मन बताना, ये और आज की प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कार्यशैली है और इसको मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने स्वीकार किया है, मीडिया के सामने स्वीकार किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये लाभार्थियों का टोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये लाभार्थियों का टोला ये सरकार को तरह तरह से और अपने लिए प्रयोग कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये लाभार्थियों का टोला सरकार का मिसयूज कर रहा है और ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इन्हीं कारणों से आज के ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये इन्हीं कारणों से हो रहे हैं कि मित्रों की सरकार और अब तो जबरदस्त ज्वालामुखी कांग्रेस के अंदर धधक रहा है। पत्नी को टिकट देने के बाद ये पति पत्नी और मित्रों की सरकार हो गई और कांग्रेस के लोग अब अपने आप को दोयम दर्जे के नागरिक समझ रहे हैं। दे फील के वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है, सेकंड ग्रेड कांग्रेसी है और उसका भी ज्वालामुखी वो 10 तारीख के बाद फटेगा। ये स्वीकारोक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय की, ये बहुत चिंताजनक है। ये बात इस बात को साबित करती है कि जो प्रदेश के अंदर अराजकता इस समय चल रही, उसके लिए ये टोला जिम्मेवार है। खून हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, पूरा प्रदेश चिट्टे की चपेट में आ गया। मैं हिमाचल का प्रवास कर रहा हूं, सिरमौर जिला, सोलन जिला से लेकर के कांगड़ा जिला तक पूरा प्रदेश इस समय चिट्टे की चपेट में है और प्रदेश की सरकार
अपने लाभार्थियों के टोले को लाभ देने में लगे। बिलासपुर का गोलीकांड, उसने इस सरकार की कलाई को खोल करके रख दिया है। किस तरह से कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री जी के नजदीकी लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल के शांत वातावरण में गोलीकांड करा। ये जो दुर्दशा हिमाचल प्रदेश की बनी है, जिसमें गरीब की कोई चिंता नहीं, मित्रों को गाड़ियां हैं, मित्रों को बंगले हैं, मित्रों को सुविधाएं हैं, ये अत्यंत चिंता की बात है और हिमाचल की जनता बहुत जल्दी इसका जवाब देने वाली है। कर्जा ले रहे हैं, 30,000 करोड़ का कर्जा 18 महीने में, विकास के नाम पर शून्य। मुख्यमंत्री जी ना हमीरपुर के मुख्यमंत्री बन पाए, ना शिमला के, ना कांगड़ा के, ना मंडी के, ना हिमाचल के, वो मित्रों के मुख्यमंत्री बन गए, मित्रों के टोले के मुख्यमंत्री बन गए। और उनका ये क्लेम जो यहां के उपचुनाव में क्लेम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा, विधायक हमारा, तो मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं, हमीरपुर जिला के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय किसी ने किया है तो वर्तमान मुख्यमंत्री महेंद्र सिंह सुक्खू जी ने किया। हमीरपुर जाना जाता है यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के, हमीरपुर जाना जाता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने, हमीरपुर जाना जाता है सर्विस सिलेक्शन कमीशन के, परंतु सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद करके हमीरपुर की पहचान को मुख्यमंत्री जी ने नेगेटिव स्टैंड दिया। और आज ये कहना कि हमीरपुर का कांग्रेस का एमएलए बनेगा तो विकास होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमीरपुर में विकास की चिंता नहीं करता है तो विधायक क्या। मैंने और 3 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ लड़ रही है और 3 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देहरा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना, देहरा कोई ना तेरा, देहरा की जनता ने खुल के जवाब दिया है, हुशियारा है तेरा देहरा, हुशियारा है तेरा, और सीधा सीधा जवाब वहां से आया है जनता का। हमीरपुर में आशीष को आशीर्वाद आप सब लोग दे रहे हैं और नालागढ़ में माफिया राज इसकी स्वीकारोक्ति नहीं होगी, ये जनता ने तय कर लिया है। किसी भी सूरत में नालागढ़ को माफिया का गढ़ नहीं बनने देंगे, ये नालागढ़ का फैसला है। इतनी बात मैंने आपके साथ साझा करनी थी, आपके मन में कोई विषय है तो उसके लिए। और महेंद्र सर, एक जो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं बार बार सवाल के 38 और 27 में फर्क होता है, इस चीज में 38 और 27 में विधायकों की जो ये कह रहे हैं सर कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रदेश में जी पूछ लो, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो एक आंकड़ा है अभी भी 3 के चुनाव हैं, 3 मिला के कितना हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि सरकार कैसे चली जाएगी, कैसे गिरेगी। हम क्या बोल रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं हमारी सरकार स्थिर है, उनको क्यों डिफेंड करना पड़ रहा है कि उनकी सरकार स्थिर है। इसका मतलब है कि अंदर में विस्फोट है, इसका मतलब है कि और दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है।
काहे के लिए वो जगह जगह जाकर के उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, ये जो मित्रों का टोला उन्होंने सरकार में बिठा रखा है ये धर्मशाला में भी बोलता है, शिमला में भी बोलता है, भाई क्यों बोल रहे हैं? हमने तो नहीं बोला। इसका मतलब है कि 10 तारीख के बाद विस्फोट होने वाला है, वो ये बताना चाह रहे हैं हम बिल्कुल मजबूत हैं। उन्होंने तो कहा था कि हम 43 हैं, फिर राज्यसभा तो बीजेपी जी, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो खुद कह रहे हैं कि सरकार और स्थिर है। Why they are defending? They should not say. और फिर अगर वो स्थिर सरकार है तो मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, एक काम गिनाए हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में 18 महीने में इन्होंने किया हो। स्थिर सरकार किसके लिए? मित्रों के लिए। स्थिर सरकार किसके लिए? उन मित्रों के टोले के लिए, पति पत्नी और मित्रों के, नॉट फॉर द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, बाय द पब्लिक, गवर्नमेंट, मित्रों की, मित्रों के लिए, मित्रों के द्वारा। नो सर, स्पेसिफिक हो गया सर, बताइए। मुख्यमंत्री से मैंने यही प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा था कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वर्षों से राजनीति में एक्टिव ना हो उसको लाभ मिलता है। संविधान के अनुसार 12 कैबिनेट मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को मिलाकर के बन सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि आपने 6 CPS बने? ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि दर्जनों आप ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो पंचायत के प्रधान नहीं बन सकते, उनको आप कैबिनेट का दर्जा दे रहे हैं? क्या मजबूरी भाई? इसका मतलब है कि बहुत सारा देर इज समथिंग समथिंग मी एवरीथिंग इज फिशी। कौन से ऐसे व्यक्ति है जो प्रधान नहीं बन सकता, जिनको कैबिनेट? मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं। सर, जीपीसी 6 की बात कर रही है भाजपा हर्ष माधव ने भी ये बात कही है, ऐसा कौन सा वो कार्य है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी गड़बड़ी प्रदेश में है कि राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है भाजपा द्वारा? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेके, नेहरू जी से लेके लगातार इस प्रकार के प्रयोग किए गए। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ी थी 356 का उपयोग करके। हम अभी कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए जनता के हित में आपने 18 महीने के अंदर क्या किया। 30,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 9,000 करोड़ का और लेने वाले हैं, कर्जे का आपने क्या किया, और केंद्र से आई हजारों करोड़ की सहायता का आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, ये जनता जवाब दी। भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र का नेतृत्व इस बात की चिंता करेगा, इस बात की चिंता और हमको नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व को है। ही इज द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सर, विस्फोट की बात आपने की, ऐसा कौन सा विस्फोट होने वाला है 10 किलो? चलो वो तो समय। सर, हाउ डू यू सी द ईडी रेड्स इन हमीरपुर टुडे? जी, ईडी एंड आईटी रेड्स इन हमीरपुर टुडे, मुझे सुनने को मिला, मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं या फिर कुछ और होगा, तो मुझे जानकारी अभी नहीं। सर, हमीरपुर की जनता ने जो है 5वीं बार जो है अनुराग ठाकुर जी को दिल्ली भेजा है सांसद बना के, क्या इसका फायदा आशीष जी को भी मिलता दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है अभी तक, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? अनुराग ठाकुर जी जहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वहाँ हिमाचल प्रदेश के भी नेता है, और वो सब जगह चुनाव के अंदर भी जाते हैं, और हमीरपुर के अंदर तो उनका अपना घर है। स्वाभाविक रूप से आशीष जी की जीत और अनुराग ठाकुर जी की जीत के साथ जुड़ी भी है, उसमें कोई दो हिस्से
तीन नेताओं को दायित्वों का विभाजन करने वाली बात है। मुझे देहरा के साथ लगाया पर मैं आज हमीरपुर में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। नालागढ़ के साथ आदरणीय जयराम ठाकुर जी को लगाया है, कल उनके कार्यक्रम और देहरा में है। अनुराग जी को यहाँ लगाया है, आज वो सारा दिन देहरा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। परंतु देर आर सम निटिग्रिटीज विच आर टू बी डिस्कस्ड ऑन डे टू डे बेसिस and that is to be discussed and to be decided by the concerned leader so that they are not to wait each other and they may take decisions. Sir, भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।